नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एनेस्थीसिया किस तरह का होता है? नॉर्मली जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं तो इसमें कंबाइंड स्पाइनल और एपिडुरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके सिर्फ कमर के नीचे के भाग को सुन्न किया जाएगा, आपकी कमर में एक इंजेक्शन या सुई दी जाएगी जिससे कि सिर्फ कमर से नीचे का भाग सुन्न हो जाएगा और आप सर्जरी में ऊपर से जगे हुए होंगे। आप अपने हाथ भी हिला पाएंगे लेकिन पैर नहीं हिला पाएंगे। नॉर्मली कंबाइंड स्पाइनल एपिडुरल में दोनों नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी बड़े आराम से हो जाती है। रेयरली अगर हमें कभी एक ही नी की सर्जरी करनी है तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें कि कंबाइंड एपिडुरल इफेक्ट नहीं डालते, तो उससे एक नी की सर्जरी बड़े आराम से हो जाती है क्योंकि इसका इफेक्ट कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से चल जाता है। इसी तरह रेयरली अगर हमें कभी जनरल एनेस्थीसिया में किसी मरीज की सर्जरी करनी पड़े तो वो भी ज़रूरत पड़ती है, बट इसके इंडिकेशंस नॉर्मली बहुत ही कम रहते हैं। तो अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है तो 99% केसेस में तो सिर्फ जो स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल और एपिडुरल कंबाइंड एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी में आपकी सर्जरी हो जाएगी। कमर में एक छोटा सा इंजेक्शन देंगे आपको, उसके बाद आप आराम से वहाँ पे ऑपरेशन टेबल पे आपको लिटा देंगे। आप एनेस्थेटिस्ट से या सर्जन से बात भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर आपको थोड़ी नींद की दवाई दें तो आपको नींद आ जाए, बट अदरवाइज़ आप इस पूरी सर्जरी में आपकी अपर बॉडी पूरी तरह से अवेक रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।